सो लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड न्यू सेशन न्यू क्लास एंड न्यू चैप्टर रैशनल नंबर्स जो हमने ऑलरेडी सेवेंथ क्लास में भी पढ़ा हुआ है जिसमें हमने सिर्फ रिकेपिचुलेट किया था कि क्लास सेवन में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में क्या पढ़ा था रैशनल नंबर्स दैट मीन्स रेशियो तो इसके अलावा हम जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज p अपॉन q दैट मीन्स हम p और q का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं p एंड q इंटीजर्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट को प्राइम्स होते हैं जनरली जब हम फाइनली उनको सिंपलीफाई करते हैं तो p एंड q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने का मतलब है दोनों के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में दोनों आते हों एंड क्यू जो नीचे डिनोमिनेटर वाला नंबर है दैट इज ऑलवेज ऐसा है कि वहां जीरो नहीं मिलेगा कभी भी नहीं अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ठीक है अब हम आज की क्लास में Uh, कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम इंटीजर्स में भी करी थी क्लोजर प्रॉपर्टी कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है नथिंग इज डिफरेंट सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज हो जाता है इंटीजर्स जो होते हैं वो क्योंकि अपॉन में उनके कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता सिंपल नंबर्स होते हैं लेकिन क्योंकि रैशनल नंबर्स हमारे सिंपल नंबर्स नहीं होते हैं उनको सॉल्व करने का थोड़ा सा वे डिफरेंट होता है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व भी करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बट आज की क्लास में हम सिर्फ प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस वाले ऑपरेशन पर अप्लाई हो सकती है जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी अगर है तो क्या वो एडिशन पर अप्लाई होती है क्या वो सब्ट्रेक्शन पर अप्लाई होती है और ये प्रॉपर्टी होती क्या है है? हर वर्ड जो इतनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी मीनिंग क्या मीनिंग होती है एंड वो किस किस ऑपरेशन पर अप्लाई हो सकती है नंबर्स के लिए सो लेट्स स्टार्ट पहले हम आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है सपोज करो हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं टू बाय थ्री एंड मैं उनको प्लस कर रही हूँ दूसरा रेशन नंबर है माइनस फाइव सेवन क्वेश्चन आता है कि क्या इनको ऐड करने पर टू बाई थ्री एक रेशनल नंबर है पॉजिटिव रैशनल नंबर है माइनस फाइव बाई सेवन एक नेगेटिव रैशनल नंबर है तो क्या इन दोनों को ऐड करके भी एक रैशनल नंबर ही आएगा या फिर नहीं आएगा ठीक है यस yes. दोनों को ऐड करके एक रैशनल नंबर ही मिलेगा आप किसी भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर लो आंसर हमेशा रैशनल ही होगा इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब जब हम ऐड करते हैं दो रैशनल नंबर्स को तो आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर ही आता है ठीक है थर्ड थिंग इज कि क्या माइनस करके भी रैशनल नंबर आता है यस yes, माइनस करके भी रैशनल नंबर ही आता है क्या मल्टीप्लाई करके भी आंसर रैशनल नंबर आता है यस yes, इस केस में भी रैशनल नंबर आता है क्या डिवाइड करके भी एक रैशनल नंबर आता है नो इट इज नॉट नेसेसरी हम जब जीरो वाली कंडीशन रखते हैं टू बाई थ्री डिवाइडेड बाई जीरो से डिवाइड करते हैं दैट इज समथिंग कि हम फिलहाल के लिए उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं समटाइम्स हम उसको इंफिनिटी भी लेते हैं मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है वो अनगिनत नॉट डिफाइंड होता है तो ऐसे केस में नॉट डिफाइंड मतलब रैशनल नंबर तो हुआ ही नहीं अगर नंबर डिफाइंड ही नहीं है तो डिस्ट्री तो डिवीजन में ये नो होता है हमें याद रखना है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है जब हम किसी दो रैशनल नंबर्स को ऑपरेट करें चाहे वो प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा रैशनल ही आएगा लेकिन डिवीजन में रैशनल नहीं आएगा डिवीजन में समटाइम्स डिफरेंट भी हो सकता है ठीक है तो वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव कम्यूट मतलब मूव करना एक जगह से दूसरी जगह मूव करना तो कहने का मतलब ये है कि अगेन फिर से मैं दो रैशनल नंबर्स यही सेम ले, ले लेती हूँ टू बाई थ्री एंड माइनस फाइव बाई सेवन अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूं पहले मैंने टू बाय थ्री लिखा और बाद में मैंने माइनस फाइव बाय सेवन लिखा सेकंड केस में मैंने क्या किया, को पहले लिख दिया और प्लस करा में. क्या मेरा आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा सीक्वेंस चेंज करने पर सेम आएगा या नहीं आएगा यस yes, आएगा दे बोथ आर इक्वल ठीक है तो इसका मतलब है कि जो नंबर्स हैं दे आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन मतलब प्लस करने पर सीक्वेंस अगर हम चेंज कर दें तो हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या यही सेम चीज माइनस के साथ भी है नो no, इस केस में नहीं होगा माइनस में ऐसा नहीं होता सीक्वेंस चेंज करने से आंसर के साइन में चेंज हो जाता है दैट मीन नंबर टोटली चेंज हो गया मल्टीप्लाई में ऐसा होता है यस yes. इट इज करेक्ट मल्टीप्लाई में होता है क्या डिवाइड में ऐसा होता है नो इट इज नॉट करेक्ट आप ट्वेंटी फाइव को फाइव से डिवाइड कर रहे हो एंड सेकंड थिंग आप फाइव को ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करो क्या ऐसा पॉसिबल है नहीं हो सकता ना हम फाइव को ट्वेंटी फाइव से डिवाइड नहीं कर सकते सो इट मींस डिविजन में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है प्लस में और मल्टीप्लाई में होती है बट डिवीजन माइनस में नहीं होती है नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सपोज करो मेरे पास थ्री नंबर्स हैं। असोसिएट करना मतलब ग्रुपिंग करना ठीक है तो अब मैं क्या करूंगी टू बाय थ्री माइनस फाइव बाय सेवन और एक और हम रेशनल नंबर ले लेते हैं वन बाय फाइव ये थ्री रैशनल नंबर्स हैं अब मैं सॉल्व करना चाहती हूँ लेकिन टू नंबर्स एक साथ सॉल्व कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ नहीं करना चाह रही हूँ तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे हम यहाँ पे दो तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं मुझे पहले दो नंबर्स समझ में आ रहे हैं तो मैंने पहले दो नंबर्स को सॉल्व करा जो भी आंसर आया इन दोनों का उसको मैंने थर्ड नंबर के साथ सॉल्व कर दिया सेकेंड वे में मैंने क्या किया कि मैंने पहले माइनस फाइव बाय सेवन और वन बाय फाइव को ऐड करा एंड इनका जो आंसर आया आई सॉल्व दैट आंसर विथ टू बाय थ्री द फर्स्ट नंबर ठीक है तो मैंने क्या देखा दोनों ही केसेस में आंसर मेरा बिल्कुल सेम आएगा फाइनल आंसर फाइनल आंसर मेरा सेम आएगा इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जहां पे हम अलग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं एसोसिएट कर रहे हैं बट फाइनल आंसर सेम आ जा रहा है तो जो रैशनल नंबर्स हैं दे आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन में भी यस yes होता है बट सब्ट्रैक्शन में एंड डिवीजन में ऐसा नहीं होता उस केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती आंसर चेंज हो जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जैसे हम नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना टू डिस्ट्रीब्यूट ना हाउ वी विल डू सपोज आई हैव अ नंबर टू बाई थ्री अगेन इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है बट विथ सम नंबर विच आर इन साइड द्रैकेट इज इट इज जस्ट लाइक कि एक रूम में कुछ लोग बैठे हुए हैं एक रूम से एक बाहर से कोई पर्सन आता है तो ऑब्वियसली विल मीट एवरी वन वो हर किसी को मिलेगा है ना हर किसी के साथ मिलेगा सिमिलरली यहाँ पे टू बाई थ्री ब्रैकेट के बाहर है ब्रैकेट के अंदर सपोज करो दो नंबर है रैशनल नंबर वन बाय फोर एंड सेकेंड नंबर हम ले, ले लेते हैं माइनस थ्री बाय फाइव ये दो नंबर्स हैं तो ये जो टू बाई थ्री है क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होना चाह रहा है दैट मीन्स इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं टर्म्स हैं प्लस से हमने पढ़ा था एल्जेब्रा में प्लस से टर्म्स डिफरेंट हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं तो ये हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने की कोशिश करेगा टू बाय थ्री जो है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वन बाय फोर आल्सो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेसिकली हम एंड यही टू बाय थ्री थ्री डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा माइनस थ्री बाय फाइव में भी ठीक है बाहर जो नंबर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्योंकि हम टू बाई थ्री को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं उनके साथ ठीक है ऐसा ही हम माइनस में भी कर सकते हैं बिल्कुल अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ठीक है addition, हम मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एडिशन के ऊपर नेक्स्ट आते हैं हम आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या होती है एक ऐसा नंबर जो हम जब ऑपरेट करें तो वो किसी नंबर को चेंज ना करे सपोज करो मेरे पास एक नंबर है फाइव बाय टू मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये नंबर चेंज ही ना हो मुझे फाइव बाय टू ही मिल जाए वापस व्हाट शुड आई ऐड ऑब्वियसली जीरो इसका मतलब क्या हुआ जीरो एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि जीरो को ऐड करते हैं तो नंबर चेंज नहीं होता सो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी ठीक है इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में भी एक आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है सपोज करो अगेन सेम रेशनल नंबर फाइव बाई टू मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा चेंज ना हो वही एज इट इज रहे फाइव बाई टू ही रहे व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई वन बिकॉज हम फाइव बाई टू में जब वन मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कभी भी चेंज नहीं होता वही आंसर हमें मिलता है दैट मीन्स वन इज ऑल्सो द आइडेंटिटी बट वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है क्योंकि जीरो को जब आप ऐड करते हो तो ये जो नंबर था फाइव बाई टू इसकी आइडेंटिटी को उसने चेंज नहीं किया ठीक है फाइव बाई टू ही रहा अब आते हैं हम इनवर्स इनवर्स क्या होते हैं मीन्स उल्टे ऑपोजिट ठीक है फाइव बाई टू का अगर मैं एडिटिव इनवर्स समझूं तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि एडिशन में इसका ऑपोजिट क्या होगा दैट विल बी माइनस फाइव बाई टू एंड सिमिलरली मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की अगर मैं बात करूं अगर मेरे पास ये फाइव बाई टू है तो मल्टीप्लाई में इसका ऑपोजिट क्या होगा टू बाई फाइव इंटरचेंज कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को टू ऊपर चला जाएगा फाइव नीचे आ जाएगा ठीक है सिमिलर यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी में एडिटिव इनवर्स में हम क्या कर देते हैं साइन चेंज कर देते हैं ठीक है इसका ऑपोजिट है ये तो फाइव बाई टू का ऑपोजिट माइनस फाइव बाई टू होगा ये हमारे एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं इसको हम नेगेटिव ऑफ दी नंबर भी बोलते हैं क्योंकि बेसिकली हम उसको नेगेट कर देते हैं ऑपोजिट करने के लिए एंड यहाँ पे ये रेसिप्रोकल कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सेकेंड नेम रेसिप्रोकल भी होता है